हेलो दोस्तों, जय हिंद डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक कंप्लीट पैकेज जिसमें मदर है, फादर है एंड बच्चे भी है। तो ये वीडियो को एंजॉय करने से पहले आप दोस्तों आज देखने वाले एक शानदार क्वालिटी के दो लैब्राडोर देखिए आपके सामने हैं। ये देखिए फीमेल से जो मेरा ये शेर खान है, स्टर्ड है मेरा, ये कितना लंबा चौड़ा, ये देखिए आप देख सकते हैं लगभग लगभग 1.5 गुना इससे लंबा चौड़ा है। एंड ये जो ग्रिल है बगल में, ये 2.5 फुट की है और 2.5 फुट से ऊपर ये जो शेर खान है हमारा। सो दोस्तों, अगर हम बात करने वाले अब कई लोग ये कमेंट करने वाले कि भी अब फीमेल की हाइट छोटी है। सो दोस्तों, अंबाला कैंट में मेरा घर रहने वाला हूँ मैं। एज पर ब्रीड स्टैंडर्ड, लैब्राडोर फीमेल की हाइट 55 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एंड जो ये ब्रीड जो फीमेल है, इसकी हाइट 57 सेंटीमीटर है। तो जिस लोग को ये कमेंट करने वाले कि फीमेल की हाइट छोटी है, वो मेरे घर आ सकते हैं, फीमेल की मेजर कर सकते हैं। अगर फीमेल हाइट कम हुई तो फीमेल मैं फ्री में दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो मेल है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एज पर ब्रीड स्टैंडर्ड इसकी हाइट काफी ज्यादा लंबी है, क्योंकि ब्रीड स्टैंडर्ड के हिसाब से 57 से 62 सेंटीमीटर मेल का हाइट होना चाहिए। बट मेरा मेल लगभग इनसे बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एंड ये देखिए ये पप्स, ये पपीज दोस्तों, इस कॉम्बिनेशन के पपीज ये हो रखे हैं, ये आपके सामने हैं। इन पपीज का रेट इस वीडियो के एंड में मैंने बताया है। जो आपको रेट का पता करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि उसमें रेट बता रखा है मैंने। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि मेल की हाइट की। तो दोस्तों, एज पर ब्रीड स्टैंडर्ड जो मेल की हाइट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो जैसे बस शो वगैरह में तो लग नहीं सकता, क्योंकि लो शो में हाइट जो है 57 से 62 सेंटीमीटर होना चाहिए। सो दोस्तों, जो मैं क्या सोच के स्टर्ड लेके आऊँ इतना लंबा चौड़ा, क्योंकि जो आज की डिमांड है, मैक्सिमम लोग डिमांड करते हैं भैया हमें लंबा चौड़ा लैब्राडोर चाहिए, एक हल शेप लैब्राडोर चाहिए, एक जिसका हेड साइज काफ़ी बड़ा हो, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी बड़ा हो, लंबा चौड़ा हो। तो सभी लोग ये डिमांड करते हैं, हैवी बोन, लार्ज हेड। तो मतलब सभी का एम ही होता है दोस्तों। जैसी बात है, मैं हूँ कस्टमर्स के लिए, तो उनकी ही मुझे फुलफिल करना है। किसी शो क्वालिटी वगैरह डॉग रखे शो में लेके नहीं जाना। तो दोस्तों, पुराने डॉग के हिसाब अकॉर्डिंग इस जो लैब्राडोर की हाइट उनसे काफ़ी ज़्यादा है। अगर पहले के लैब्राडोर की बात करता हूँ तो दोस्तों, कॉम्पैक्ट जैसी ये फीमेल है, इस क्वालिटी की डॉग्स होते हैं, इस लंबाई चौड़ाई के डॉग्स होते हैं। बट आजकल टाइम चेंज हो रहा है, लोग बेसिकली लंबे चौड़े ब्रीड पसंद कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ही लंबा चौड़ा सांड आपके सामने है। एंड अगर मैं बात करता हूँ फीमेल की, तो दोस्तों फीमेल में मैंने काफ़ी फेमस जो ब्रीडर है उनसे ले रखे हैं। तो बाकी मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए थे इस फीमेल के लिए, बहुत महंगे लिया मैंने, बट वो फीमेल अप टू द मार्क नहीं बन पाई और मैं डिससेटिस्फाइड उस ब्रीडर से जिससे मैंने लिया। काफ़ी वेल नोन ब्रीडर है, काफ़ी बड़ा नाम है उनका, बट उस क्वालिटी फीमेल वो नहीं बन पाई जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा पेडिग्री की ये फीमेल है। बट चलिए कोई बात नहीं, चलता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ प्राइस टैग की, तो जो फीमेल और मेल पपी है, मेल पपी 12,000 रुपये का है और जो फीमेल पपी है वो 8,000 रुपये की है। अब कई लोग कहने वाले कि प्राइस, दोस्तों प्रीवियस वीडियो था, मैंने लैब्राडोर के पपी का रेट रखा था 25,000 रुपये और फिक्स प्राइस था। तो अब मैंने ये भी कहा था कि हमेशा जो प्राइस है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि दोस्तों, मैं हर बार कहता हूँ कि हमेशा जो प्राइस है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो जो इससे पहले वाली डेडली कॉम्बिनेशन था, जैसा मेरा शेर खान है वैसी फीमेल भी लंबी चौड़ी थी, अच्छे बच्चे थे, बहुत शानदार थे, इसलिए उसको प्राइस में 25,000 रखा है मैंने। और ऐसे कि फीमेल अपना ये मेल पपी है, और ये फीमेल के अकॉर्डिंग दोस्तों इन जो पपी के राइस रेट मैंने 12,000 का मेल, 8,000 की मैंने फीमेल रखी है। सो ये रेट जो है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग होता है, जो हमें से कहता हूँ जैसा गुड वैसा मीठा। एंड जबकि फीमेल देखिए, टेल देखिए, शॉर्ट थिक एंड शॉर्ट टेल, परफेक्ट। जो फीमेल जो मदर है, इसके टेल देखिए शानदार, बढ़िया ही, और हमेशा डाउन देते, कोई कर्ल नहीं, कोई हुक नहीं, कोई सी शेप नहीं, तो एक बढ़िया फीमेल है। और बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, एंड बच्चे के टेल देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, तो काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशन के बच्चे हैं। बट चलो, अप टू द मेरे वो उसका नहीं, इसलिए मैंने रेट का 12,000 रखा है। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही पैसा होता है। तो जैसे आपके सामने है, तो आप डॉगीज वर्ल्ड से 12,000, 18,000, 25,000, 35,000 जैसा क्वालिटी वैसा रेट है। दोस्तों, इससे नीचे लेवल के ये पपीज होते हैं उसमें मैं डील नहीं करता, फीमेल आती है उनको मैं मीटिंग के लिए मना कर देता हूँ। तो अगर दोस्तों आप अंबाला के हो, आपके पास सुंदर फीमेल है, तो आप आ सकते हो, आप आके मीटिंग करवा सकते हैं। एंड
ये दोस्तों मेरा डॉग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी क्वारीज है वो कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कैसा पपी कैसा लगा कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेन हो कंप्लेन कर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हो तो इसको मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।